हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को बच्चों इस क्लास में हम लोग इंक्लूड किए हैं। हमें नहीं लगता है कि इस अध्याय से आपका एक भी प्रश्न जो बाहर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस अध्याय से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो बच्चों इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है। इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखना चाहिए। अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं और आप 12th क्लास का विद्यार्थी है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। ठीक है, जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है बच्चों, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, उससे पहले अगर आप लोग जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पे आप लोग जो है 9162055090 इस नंबर पर हाई लिख करके सेंड कीजिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है इसको यानी कवर करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है ना। इसमें क्या कहा जाता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है। जहाँ अपने जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं, है ना, तो उसके बाद उसी तरह बातचीत की भी अति आवश्यकता है। तो इसके बारे में आपको बताना है ना। तो इसके बारे में आपको हम बताने, इस प्रस्तुत पंक्त में अगर बात किया जाए, तो इस पंक्त में मैं ये चीज बात कर रहा हूँ किसका, यानी बातचीत चैप्टर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, बातचीत चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो दिख रहा होगा, ये बातचीत चैप्टर से लेकर के आया। तो यहाँ आपको कहा ना कि बातचीत की भी उसी तरह की आवश्यकता होती है जिसे मेरे जिंदगी में खाने पीने की आवश्यकता होती है, उसी तरह जो बच्चों बातचीत का भी आवश्यकता होती है। तो इस चीजों को आपको जो है समझाना है। ठीक है, देखिये इसमें क्या है, प्रस्तुत पंक्त हिंदी के प्रतिभावान गद्यकार बालकृष्ण भट्ट, यानी बातचीत के लेखक कौन है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट जी है ना, वो रचित निबंध, यानी क्या है उसका बातचीत क्या है बच्चों, एक निबंध है। ठीक है, से उद्धित है कि वाक शक्ति बिना मनुष्य गूंगा है। अगर मनुष्य के अंदर अगर वाक शक्ति ना देता है ना, तो एक क्या होता, वो गूंगा रहता। ये पूरा दृष्टि, ये पूरा दुनिया, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, ये क्या होता, गूंगा रहता है ना। बातचीत द्वारा बच्चों हम अपनी बात दूसरों तक जो है पहुंचाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें किसी तरह के, मतलब मुझे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अगर पानी पीना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने बातों को किसी को बोलते हैं और वो पानी लेकर के मुझे देते हैं। ठीक है, ताकि तब जो है मैं पानी पी पाता हूँ। अगर मेरे अंदर वाक शक्ति नहीं होता, तो हम अपने बात को नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये वाक शक्ति बहुत ही ज्यादा जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मनुष्य के जीवन के लिए। ठीक है, अगर बातचीत अगर नहीं होता, तो मनुष्य ये दुनिया क्या होता, पूरा गूंगी होती है ना। दूसरे तक पहुंचाते हैं अपना फीलिंग को। अगर आप क्या होता है कभी कभी कि आपके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, बहुत सारी परेशानी आ जाती है, तो आप अपने बातों को अगर दूसरे के पास शेयर करते हैं, तो आपका मन क्या होता है, हल्का होता है ना। तो वो क्या होता है, अगर बातचीत नहीं होता, तो हम लोग हल्का कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, उसी तरह देखिएगा, जहां आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाना पीना, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत भी अति आवश्यकता होती है। यानी जैसे खाना पीना के लिए आपकी जो है आवश्यकता, जितना आपका खाना पीना आवश्यक है जिंदगी के लिए, उसी तरह का बातचीत भी जो बच्चों यानी क्या आवश्यक है इंसान के लिए। जिंदगी तभी आनंददायक बनती है तब हम खाते पीते रहते हैं, चलना फिरना एवं व्यायाम करने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो हम लोग खाते पीते हैं, व्यायाम करते हैं, तब जो है क्या है, जिंदगी बहुत जो है आनंददायक बनती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा बच्चों, इसमें बातचीत द्वारा मनुष्य अपनी दामित वासना अभिव्यक्त भी कर लेता है और अपना अमृत और जहर दूसरों तक पहुंचाता आता है। अगर जो इंसान काफी स्ट्रेस में है, परेशानी में है ना, तो वो अपने अपने जो मन के भास अंदर वाला जो फील है, वो आप जब तक वो अगर दूसरे के पास प्रकट नहीं करेंगे, तब तक उसका मन का भास वगैरह जो है नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये सब जानते हैं है ना। अगर वाक शक्ति ना होता, तो ये क्या होता, हम जो है एक दूसरे के पास हम लोग प्रकट नहीं कर पाते अपने बातों को, अपना फीलिंग को। ठीक है, नहीं तो सिर्फ ये पूरा दिश पूरे दुनिया जो एक ब्रांड होता, क्या होता बच्चों, गूंगी होता। ये क्वेश्चन का आप लोगों को बहुत ही, आई होप, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से मिल गया होगा। तो ये सारे चीजें का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, है ना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, है ना, क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कहा जाता है, बातचीत शीर्षक पार्ट में दो बुढ़ियों की बातचीत का क्या प्रकरण है। देखिए हम लोग बातचीत चैप्टर में पढ़े थे ना कि दो बुढ़िया आपस में अगर बात करेंगे तो किस चीज की बात करेगी। तो देखिए अक्सर अगर देखिएगा आप, अगर अपने आसपास में भी आप लोग खुद फील किए होंगे कि दो बुढ़िया आपस में जब बात करती है ना, तो अपना बहू बेटियों की जो है बुराई करती है ना, कि मेरा बहू इस तरह करती है, इस तरह मुझे खाना नहीं देती। तो इस तरह की वो जब दो बुढ़िया आपस में बात करेगी, तो वो किसकी बात करेगी बच्चों, वो अपना बहू बेटियों की बात करेगी। अगर दो बूढ़ा अगर आपस में अगर बात करेंगे, तो वो किसकी बात करेगा, है ना, अपने जमाने की बात करेंगे, है ना, कहेंगे कि हम लोग के जमाने में ऐसा हुआ करता था। अगर दो लड़के अगर आपस में बात करेंगे, तो किसकी बात करेगा, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। दो लड़कियां अगर आपस में बात करेगी, तो किसकी बात करेगा, ये बिल्कुल सबको पता है कि दो लड़कियां
अगर आपस में बात करेगी तो किसकी बात करेगा, और दो लड़का आपस में बात करेगा तो किसकी बात करेगी, ठीक है, किसकी बात करेगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो मैं तो बताना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं आपसे कमेंट में ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि आप लोग क्या बता रहे हैं, है ना। जो दो लड़का अगर बात करेंगे आपस में तो किसकी बात करेगी, किसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर दो लड़कियां करेंगे तो वो किसकी बात करेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताना बच्चों, तो आप ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर देखिए, जब बातचीत के पाठ के अनुसार दो बुढ़िया बातचीत का मुख्य प्रकरण है ना बहु बेटिया वाली हुई है ना। जब यहाँ हम लोग बातचीत चैप्टर में पढ़े हैं बच्चों के, दो बुढ़िया आपस में अगर बात करेगी तो वो बहु बेटियों की बात करेगी, ठीक है। अपना बहु या बेटियों की गिला शिकवा होगा, या वे हाँ बिरादाने की कोई ऐसा रम क्या यानी रम रसरा छेर बैठेगी, तो बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी, है ना। तो बहुत सारे क्या होता है कि पूरे बात बोलने के बाद कहता है कि नहीं बोलना चाहिए दूसरे के बात, ऐसा वैसा, मतलब इस तरह जो है बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका यानी बातचीत पार्ट के जो मैंने अभी आपको बताया, दो बुढ़िया अगर आपस में बातचीत करेगी तो क्या करेगा। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे है, है ना। क्या कहता है इसमें कि जरा क्या है, जारा के बारे में बताया गया। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशा है। देखिए बजीरा सिंह क्या कहते हैं कि जो है क्या यानी निमोनिया से मरने वाला या बुखार से मरने वाला जो है किसी उसको क्या मुरब्बा नहीं मिला करते, ठीक है। तो इस पार्ट में कहता है वजीरा सिंह कि जो है मुरब्बा उसको मिलते हैं, किसको, जो देशों के लिए कुर्बान होते, जो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, उसके जो उसको जो है नमन किया जाता है, जो निमोनिया और बुखार से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलते हैं, ठीक है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेडी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था, इससे उद्धित है कि ये युद्ध का वर्णन है, ठंडा वहां अधिक पड़ रही है। जब युद्ध पे जाता है बच्चों, है ना, उसने कहा था, पाठ के लेखक कौन है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेडी है ना। उसने कहा था कहानी से युद्ध का वर्णन है, जहाँ वहां बहुत ठंडा होता है, जहाँ युद्ध लड़ने जाता है ना, ठंडा वहां अधिक पड़ रही है ना। वजीरा सिंह कहता है कि लहना सिंह तुमको कहीं ठंड ना लग जाए, वजीरा सिंह कहता है कि लहना सिंह तुमको कहीं ठंड ना लग जाए। जाड़ा क्या है बच्चों, तो ये जाड़ा कितना अधिक है, है ये मौत का पर्याय बन गया है ना। ये क्या बन गया है, मौत का पर्याय बन गया है। निमोनिया बुखार हो जाने का डर है, ये ठंडी से जो है क्या यानी निमोनिया बुखार होने का डर है, और निमोनिया बुखार से अगर मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, ये पंक्ति में जो ये बताया है, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, इसका मतलब यही है कि हम लोग को ठंडी की वजह से जो बुखार निमोनिया हो जाएंगे और जो इससे मर जाएंगे उसको जो है क्या मुरब्बा नहीं मिला करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे क्या है कि निमोनिया से मरने वाले की कड़वी दवा दी जाती है, जो निमोनिया से मरती है मरने वाले को कड़वी दवा दी जाती है। दूसरे युद्ध में मरने वाले को सम्मान होता है, अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो आपको सम्मान होगा, बुखार से मरने वाले को नहीं दी जाती है, ठीक है। हाँ तीसरी जगह का अभाव है कि अंतिम क्रिया क्रिया के लिए जगह नहीं मिला पाती है, अंतिम क्रिया के लिए भी इसको जगह नहीं मिल पाती, किसको, जो बुखार से और निमोनिया से मरने वाले को। हाँ इसे ही वजीरा सिंह ने कहा कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, इसलिए कहा था कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करता, ठीक है। मीठी मीठी भुतुआ की मिठाई नहीं मिला करते, है ना, जो मीठी भुतुआ की मिठाई नहीं मिला करते। तो ये चीज आपको समझ में, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया कि है निमोनिया से और बुखार से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। तो ये इसका ये कथन का जो बच्चों आशय था, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो बहुत अच्छे से मैंने आपको जो है समझाने का प्रयास किया था, एकदम सरल लैंग्वेज में था। उम्मीद है कि ये सारे चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, उम्मीद है हमें, मैं आपको 100% जो आपको वादा करता हूँ कि आपको जो है इस चैप्टर में जितने का सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ इंक्लूड किए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो अच्छे से रहिए, है ना, तो एकदम अच्छे से पढ़िए और 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देखिएगा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, इसके बारे में आपको बताना है, है ना। अगर इसका अगर बात किया जाए बच्चों, इस प्रस्तुत इसका क्या यह है, देखिए इसमें उसने कहा था, ये किस पार्ट का बच्चों, उसने कहा था कि हम लोग जानते हैं जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेडी है ना। ये कहानी ये युद्ध की कहानी है, ये कहानी जो थी एक युद्ध की कहानी है, ये जर्मनी के साथ युद्ध हो रहा था, कहाँ किसके साथ हो रहा था, जर्मनी के साथ युद्ध हो रहा था, और भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजों के पक्ष से लड़ रहे थे, किसके पक्ष से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के पक्ष से लड़ रहे थे भारतीय सैनिक, हाँ। चलिए कई दिनों से युद्ध चल रहा था, जाड़े में हड्डियां अकड़ जा रही थी, जाड़े में क्या हो रही थी, युद्ध लड़ते लड़ते हड्डियां जो है अकड़ जा रही थी, और सूबेदार जो है बच्चों हजारा सिंह ने लहना सिंह से कहा था, 3 दिन है ना, देखिए सूबेदार हजारा सिंह ने जो है लहना सिंह से कहा कि और 3 दिन है, 4 दिन तो खंडक में ही हम लोग बिता लिए, कैसे कैसे, है ना। ये कहानी मैंने जब पढ़ाया था, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, ये चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ, अगर चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा और मजा आएगा आपको।
परसों से रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की हम लोग छुट्टी हो जाएंगे। हम लोग तो 4 दिन किसी ना किसी तरह जो है ये खंडक में जो है गुजार ली और जो है 3 दिन बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद रिलीफ आएगी और हम लोग फिर जो है 7 दिन के लिए छुट्टी में चले जाएंगे, ठीक है। तो लहना सिंह कहता है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, यानी 4 दिन तक जो मैं रहा यहाँ पलक नहीं झपकी, बिना फिरे घुमाए, मतलब बिना फिरे घूमे, मतलब क्या फिराए, मतलब घोड़ा आकर जाता है ना, बिगड़ जाता है। और उसी तरह सिपाही भी जो है बिना लड़े आलसी हो जाते हैं। जब तक अगर सिपाही अगर लड़ते रहेंगे तो वो आलसी नहीं होगा, जब वो अगर बैठे बैठे रहेंगे एक जगह रहेंगे तो क्या हो जाते हैं बच्चों, आलसी हो जाते हैं। इस कहानी के संदर्भ से मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। चलिए, लहना सिंह ने कहा यदि उसे हुक्म मिल जाए, यानी लहना सिंह कहता अगर मुझे हुक्म मिल जाए तो मैं जर्मनी को अकेले ही मार डालूंगा। कौन कहता बच्चों? लहना सिंह कहता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन था आप लोगों को, क्वेश्चन क्या था कि जाड़ा क्या है, मौत मतलब यहाँ क्वेश्चन था बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़ाई सिपाही। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, एकदम सरल लैंग्वेज में। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 5 नंबर क्वेश्चन, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। इस पंक्ति में पंक्ति का क्या है ये अभिप्राय? तो अगर बात किया जाए ना, उपयुक्त पंक्ति उसने कहा था से ली गई है। ये पंक्ति जो बच्चों कहां से लिया गया है, उसने कहा था से लिया गया है। प्रसंग उस समय का है जब खंडक में खूब सर्दी पड़ रही थी, यानी बहुत ठंडी पड़ रही थी। उसी समय का वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। तो वजीरा सिंह से जो है लहना सिंह से कहता है कि अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है ना, वो कहता है क्या कि अब बोधा सिंह कैसा है। तो बोला कि अच्छा है, यह कथन बोधा सिंह के प्रति जो है लहना सिंह के व्यवहार को प्रकट करता है। ये क्या है? लहना सिंह का जो है व्यवहार प्रकट करता है कि हाँ अच्छा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वजीरा सिंह के इस कथन को कथन से लहना सिंह से त्याग प्रेम पूर्ण और संपन्न का परिचय मिलता है। और खुद लहना सिंह बोधा सिंह के पहाड़ों की जगह रात भर पहाड़ा करता था। इसके सिंह यानी खुदा लहना सिंह जो है बोधा सिंह के पहाड़ों की जगह रात भर पहाड़ा करता था बच्चों, है ना। उसके बाद यहाँ देखिएगा, हाँ स्वयं सुखी लकड़ी पर सो जाता और इस त्याग को देखकर लहना सिंह को जो है वजीरा सलाह देता कि कहीं तुम्हारे ही तबीयत खराब ना हो जाए। ये कहता है वजीरा सिंह सलाह देता है किसको, यानी लहना सिंह को, कि मेरा पहरा में हम लोग आप जगह रहते हैं, कहीं आपका ही मतलब क्या तबीयत खराब ना हो जाए, है ना। एक जाड़ा क्या है? मौत है। ये जाड़ा क्या है? ये मौत है, कहता है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं, अर्थात जब तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, ठंडी लग जाएगी, है ना, निमोनिया हो जाएगा, तो इससे आपको जो है मुरब्बा नहीं मिलने वाला या इनाम नहीं मिलने वाला है, ठीक है, है ना, या आपका सम्मान नहीं मिलने वाला, रक्षा कर पाओगे, है ना, तुम्हें मरने के लिए अपनी जमीन भी नसीब ना होगी, है ना। कहता है कि अगर मर जाओगे तो तुम्हें अपने जमीन भी नसीब ना होगी। यहाँ मुरब्बा अरबी शब्द है, यानी मुरब्बा जो है बच्चों ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्गाकार चौकार जगह, है ना, क्या होता है वर्गाकार चौकार जगह जमीन, यानी मुरब्बा का मतलब समझ रहे हैं, जमीन चौकार जगह, यानी मिट्टी देने के लिए जहाँ आप यानी दफन होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी भी आपको जो है मुरब्बा भी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ द्वितीयक अर्थ ये भी है, ये भी धन्यता होता है कि जिस व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है उसे कड़वी औषधि ही दी जाती है, जिस मनुष्य को जो बच्चों यानी क्या हो जाती है निमोनिया की बीमारी होती है तो उसको कड़वी दवा दी जाती है, मुरब्बा नहीं दी जाती है, यानी खाने के लिए, है ना, खाने का एक मुरब्बा जो होता है खाने का भी होता है, ठीक है। और ये मुरब्बा जो होता है ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, चौकार जगह, है ना, जिसको जमीन बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चों कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलते, ये बहुत ही अच्छे से उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप बच्चों आप लोग को ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आप, हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जो आपके स्क्रीन पे है। मृत्यु के कुछ समय पहले ही स्मृति बहुत साफ हो जाती है, मरने से पहले जो है बच्चों स्मृति बहुत साफ हो जाती है कि सारी घटनाएं एक एकाएक करके सामने आती है और सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, है ना, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाता है बच्चों, है ना। उसका कहा जाता है प्रसिद्ध पंक्ति में चंद्रदास शर्मा गुलड़ी रचित, उसने कहा था शीर्षक कहानी से उदित है कि लहना सिंह जो इस कहानी का नायक है, लहना सिंह क्या है बच्चों, उसने कहा था पाठ के जो है बच्चों क्या है ये नायक है, ठीक है। गोली लगी किसको, यानी गोली लगी हुई बोधा सिंह को जेवर से बर्रा रहा था, है ना, गाड़ी से पीछे भेज दिया ताकि जो है उसकी इलाज हो सके। लहना सिंह के लिए दूसरी गाड़ी पहुंचकर भिजवा दें, है ना। गाड़ी के जाते जाते ही लहना सिंह को लेटा गया और वजीरा सिंह से पानी मांगा और वजीरा सिंह जो है दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको बच्चों या मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, ये चीज आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे उसने कहा था वह मैंने कर दिया,
यानी घर जाओगे तो बोल देना कि जो मुझे वो कहा था उसने कहा था, मैंने वो कर दिया, ठीक है। प्रस्तुत बनकर उसने कहा था शीर्षक कहानी में, इसके रचयिता चंद्र शर्मा गुरेड़ी है। लहना सिंह ने अपने प्राणों की यानी बलि दे दी, यानी अपने प्राणों की बलि दे दी। किसने बलि दी अपने प्राणों की बच्चों, है ना, लहना सिंह ने अपने प्राणों की बलि दे दी। क्वेश्चन देखिएगा, है ना, बलि दे दी। और हाँ, और क्या कहता, उसने सूबेदार 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 और उसके बेटे के प्राण की रक्षा की, यानी सूबेदारिन जो थी, है ना, जो बच्चों मैंने आपको कहा था ना कि आप क्या आपकी मंगनी हो गई है क्या, ये कहानी में हम लोग पढ़े थे ना, है ना, जो एक चौड़ाई पे चौक के दुकान पर मिलता है ना, लहना सिंह और लड़की को पूछते हैं कि आपकी कुर्माई हो गई क्या। तो वही लड़की जो बच्चों सूबेदार बनती है, जब बड़ा होकर के शादी हो जाती है उसको, है ना, सूबेदार और उसके बेटे के यानी, तो वो जब बन जाती है तो वहां उससे एक प्रतिज्ञा देती है कि मेरा मेरा बेटा और मेरा पति का तुम क्या करना, रक्षा करना। ये कहानी बहुत लंबा है, वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया है तो यहाँ शॉर्ट में आपको हम बता दिए। तो उसको कहता है कि यानी उसका रक्षा करना। तो ये लहना सिंह ने उन दोनों का रक्षा करने के चक्कर में अपना जो है अपना जान गंवा देता, अपना प्राण गंवा देता है। इसलिए कहता है इसमें कि यानी कहता है कि तो कह देना मुझे मुझे उसने कहा था, मैंने जो कर दिया, यानी जो सूबेदारी ने जो कहा था लहना सिंह को, वो जो है उसने उतना कर दिया, यानी उसकी रक्षा के लिए अपना जान गंवा दिया, ठीक है। तो बेटे प्राण की रक्षा लहना सिंह को सूबेदारी से बच यानी बचपन का दिव्य प्रेम था, है ना, बचपन का मैंने बताया ना, जो बच्चे का दिव्य प्रेम था इसलिए उसने ऐसा किया। लहना सिंह कहता है कि और अब घर जाओ तो सूबेदारिन से कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। किसको कहा था बच्चों, सूबेदार को कहता है कि जो उसने सूबेदारिन को बोल देना कि जो उसने कहा था मैंने कर दिया, ठीक है। देव प्रेम पर प्राणों का उत्सर्ग, उत्सर्ग की है चमत्कारी कहानी है बच्चों, ठीक है। अपने प्रेम के लिए वो अपने सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा किया, है ना, वो देव प्रेम था, बचपन का प्रेम था, और वो अपने प्रेम को जो है लास्ट तक, वो जो उसका कहा हुआ बात था वो वहां तक रखा और वो अपने जान का यानी अपने प्राण दे दिया। किसको रक्षा करने के लिए बच्चों, सूबेदार और उसके बेटे को रक्षा करते करते, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं शामिल हुए थे, है ना। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों क्यों नहीं शामिल हुए। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये किस पार्ट के है, जयप्रकाश नारायण बच्चों तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण है। इसमें कहता है कि अमरीकी प्रवास के दौरान जो जेपी के घोर कम्युनिस्ट थे, ये क्या थे, घोर कम्युनिस्ट थे, वो लेनिन और ट्रॉस्की का समय था, जब 1924 में लेनिन मरे थे तब 1924 ही जेपी की मार्क्सवादी बने थे, ठीक है। चलिए, मार्क्सवादी के सभी ग्रंथ में उन्होंने पर डाले थे, है ना। रात को एक रशियन टेलर के जो है घर रोज क्लास लेते थे, क्या लेते थे बच्चों, एक रोज क्लास लेते थे, और वहां से जब लौटे तो घोर कम्युनिस्ट थे, है ना, ये कौन थे, घोर कम्युनिस्ट थे। लेनिन ने राष्ट्रहित में अंग्रेजों को भगाने के लिए जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे। किसको भगाने के लिए बच्चों, हाँ, कम्युनिस्ट थे लेनिन ने राष्ट्रहित में अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। कम्युनिस्ट होकर भी जो है वह अपने कांग्रेस से अलग थलग नहीं रख सका, और आजादी की लड़ाई में जो बच्चे भाग लेना था, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं था, मतलब सॉरी, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये कांग्रेस के जो है कांग्रेस से अलग थलग नहीं रहा, ये कम्युनिस्ट होकर भी जो है अपने कांग्रेस से अलग थलग नहीं रह सका, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है, जो संपूर्ण पाठ के लेखक है, कौन, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है, यानी डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है। शत्रु मतलब कौन है, क्या होता है बच्चों, दुश्मन होता है। लोकतंत्र का दुश्मन कौन है, तो बच्चों लोकतंत्र का दुश्मन किसको बताया गया है ना, जो जनता के कार्यक्रमों में बाधा डालता है, जो नेता नेता को ही इसमें कहा गया है ना, उनकी गिरफ्तारी करते हैं और उन पर जो है लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, इसको क्या कहा, शत्रु कहा, दुश्मन कहा गया जयप्रकाश नारायण ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या क्या आप जेपी के विचार से सहमत हैं, है ना, इसे दूसरे दूर करने का क्या सुझाव देंगे, यानी भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ये कौन, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, और कहा था या इसमें कहा था, क्या इसका आप समर्थन करते हैं, है ना, तो अगर इसको दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे, ठीक है बच्चों। तो 10 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शन का खर्च, जो इलेक्शन में खर्च होता है, चुनाव का खर्च होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, यहाँ भ्रष्टाचार की जो है बच्चों क्या हो जाता है, जर करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च होते हैं। जब करोड़ों रुपया अगर चुनाव में खर्च करेंगे, तो कोई भी नेता जो करोड़ों रुपया
खर्च करके अगर वो नेता बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या करेंगे, करप्शन करेंगे, है ना। पैसा कमाने के लिए जो इतना रुपया खर्च किया तो वो रुपया तो आना चाहिए, तो वही जो है भ्रष्टाचार की जड़ जो हो जाता है बच्चों, ज्यादा खर्च जो करते हैं चुनाव में वही जो है बच्चों क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार की जड़ हो जाता है। और करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च है, एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा और लगाएं और समाजवाद का नारा लगाएं, और चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटियर लोगों ने इकट्ठा करेंगे और अनकाउंटेड मनी करोड़ों रुपया जिसका कोई हिसाब नहीं है ना, कोई किताब नहीं, जेपी के चिल्लाते रहे। और इस चुनाव का पद्धति में अमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव खर्च कम करना चाहिए, लेकिन जेपी की जो है किसी ने नहीं सुनी और परिणाम सत्ता पलट गया। ठीक है, तो यही बच्चों था, ये जो है भ्रष्टाचार की मेन जड़ जो होता है बच्चों, ये जो है मतलब क्या इलेक्शन में जो खर्च करते हैं ये सब जो है सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार की मेन जड़ यही है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, चलिए बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है ना, बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद कैसा संबंध है, दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ये क्या है कि सर्वोदय मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, ग्राम सभाओं के आधार पर जो है दलविहीन प्रतिनिधि की स्थापना हो, इसके अनुसार ग्राम सभाओं के आधार पर, है ना। इसका दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्य में जो है से है, है ना। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य की जो क्या हो जाएगा, स्टेट का क्षय होता जाएगा, अंत में है ना स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी और वह समाज अवश्य लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का भी क्या होगा, सच्चे स्वरूप प्रकट होगा। ठीक है, ये लोकतंत्र निश्चित ही दलविहीन होगा बच्चों। ओके, क्लियर हो गया आपका, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद कैसा संबंध है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, तो आप लोग इनको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में है ना, तो आप लोग इसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, रटने की जरूरत नहीं है, चलिए चीजों को समझना है। क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, अगर संधि की वार्ता अगर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना होती, इससे आप कहां तक सहमत है। बिल्कुल, प्रस्तुत पंकित रामधारी दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से उद्धित है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की भी राय लेनी चाहिए, है ना, पुरुष प्रधान देश में भी जो है स्त्री की राय लेनी चाहिए। यदि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि ये जो है महाभारत की लड़ाई नहीं छिड़ी होती। ओके, हाँ, जो महाभारत का लड़ाई हुआ था ना कौरव और पांडव के बीच, ये नहीं होती। यदि स्त्रियों की राय ली जाए तो बड़ी से बड़ी जो है लड़ाई भी रुक सकती है, अगर स्त्री की लड़ाई अगर ये लिया जाए, है ना, राय लिया जाए तो बड़ी से बड़ी लड़ाई रुक सकती है ना। इसमें कहता है कि नारी और पुरुष की चिंताएं अलग अलग होती है, नारी का सोचने का थिंकिंग अलग होती है, पुरुषों का जो है अलग होती है, दोनों का चिंतन जो बच्चों क्या होता है अलग अलग होती है। नारियों में दया का भाव पाया जाता है और वही इसी गुण के क्या हो जाता है, अप्लावित रहती है और वह युद्ध को टाल कर सकती है, है ना। तो स्त्री का जो होता है वो सोच होता है, थिंकिंग होता है, क्या होता है उसका, यानी दया वाला होता है। अगर उसको पूछेंगे तो वो मना कर देंगे, नहीं किसी का हत्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उससे क्या हो सकता है कि हाँ युद्ध जो है टाला जा सकता है। यदि कुंती और गांधारी के बीच बातचीत हो जाती तो महाभारत का भीषण युद्ध टल जाता है ना, महाभारत का युद्ध नहीं होता, इतने लोग है मारे नहीं जाते। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, है ना। अब आगे हम लोग देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी जो है कर्म क्षेत्र है कैसे। चलिए, ये क्वेश्चन है, यानी जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी जो है कर्म क्षेत्र है कैसे। ठीक है, इस पंक्ति में से हम लोग जो है नारी से दूर भागना मुक्तता है। जो नारी को देख करके भागते हैं, जो लड़की से नफरत करते हैं, है ना, तो भोग की वस्तु मात्र नहीं है, वो जो क्या है मूर्खता है, है ना, मूर्ख है और वो वस्तु की मात्र नहीं है। नारी जो है केवल नर को ही रजोई नहीं अथवा प्रेरणा देने को नहीं बनी है, वह जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं होता है, बाहर भी है। जिससे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी भी जो है कर्म क्षेत्र है, ना और नारी दोनों ही जो है क्या जीवन उद्देश्य का एक है। ठीक है, दोनों का क्या है जीवन का उद्देश्य जो है एक ही होता है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्ध के लिए जो है मनमनाते विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारिया के लिए घर का जो है छोटा कोना छोड़ दे। ये जो हम लोगों का मानसिकता है कि हाँ लड़कियां जो है घर पे ही काम करेंगे और लड़के बाहर में ही काम करेंगे। ठीक है, जितना हमारा हक है उतना लड़कियों का भी हक है, है ना, जितना लड़का का हक है उतना लड़कियों की भी हक है, है ना। चलिए, ये चीजें आपको इसमें समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
खुद को नारियों को जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों क्यों देना पड़ा गौतम बुद्ध को? जो बच्चों इसका यानी नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देना पड़ा? ठीक है, बौद्ध को नारियों में बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए बच्चों देना पड़ी। इसका असर हुआ कि बौद्ध धर्म के 500 वर्ष तक जो है चलने वाला था केवल 500 वर्ष चला। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, पुरुष से गुण क्या है बच्चों, है ना? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पुरुष से गुण क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि यानी पुरुष पुरुषता के लिए जाना जाता है और स्त्री अपने स्त्रीयोचित क्या यानी कोमलता के लिए जाना जाता है। ठीक है, स्त्री की हमेशा क्या है यानी कोमलता के लिए जाना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि स्त्री जो है क्या बच्चों, वो आनंद की खाने लड़की। ठीक है, पुरुष में यदि स्त्री जनीय कोमलता आ जाएगी तो वह निंदा का पात्र बनेगा। अगर एक लड़का के अंदर बच्चों स्त्री जनता कोमलता यानी स्त्री के तरह अगर उसके अंदर कोमलता या उस तरह की अगर काम करता है या उस तरह की जो है वेशभूषा पहनता है तो वो क्या होगा, उसका जो समाज में क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, समाज में निंदा किया जाता है। ठीक है, स्त्री यदि पुरुष की तरह आक्रामक होंगे यानी स्त्री अगर पुरुष के तरह अगर वो अपना वेशभूषा पहनेंगे उसी तरह का आकर करके चलेंगे तो उसका अभी जो है क्या होगा, समाज में निंदा होगा। ठीक है, तो ये जो लड़की और लड़का जो जेंडर जो ये कौन, ये समाज दिया है बच्चों। ठीक है, अब हायर एजुकेशन अगर आप जब लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। ठीक है, ये भी निंदा का विषय विषय हो जाता है। आवश्यकता है कि पुरुष में भी जो है कुछ नारीत्व का गुण रहे, आवश्यकता है कि जो नारी के अंदर जो गुण है वो पुरुष के अंदर भी होना चाहिए और जो पुरुष का गुण है वो नारी के अंदर भी होना चाहिए। ओके, चलिए। हाँ, केवल कठोरता ही कठोरता रहेगा तो नारियां के लिए जो है जीना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? अगर अगर पूरा अगर कठोरता ही अगर मर्दों के अंदर पूरा कठोरता ही रहेगा तो नारी के लिए जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना? पुरुषार्थ की मात्रा एक क्या था यानी सीमा तक ही उचित कही जाएगी। ठीक है, तो ये पुरुष का गुण क्या है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं नर और नारी एक ही धर्म की डाली की दो प्रतिमा है कैसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना? तो देखिये इस पाठ का लेखक कौन है बच्चों, अर्धनारीश्वर गद रामधारी चंद्रकर नर और नारी की जो है समानता पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, है ना? जो हम लोग क्या देखते हैं, जो आरंभ में दोनों समान थे, शुरू में क्या थे बच्चों, ये दोनों समान थे लेकिन ये समाज ने जो है दोनों को अलग कर दिया है। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं जो आप देखिएगा कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं जो है छिना नारी छिपी हुई है, किंतु सदियों से नारी अपने भीतर नर को और नर अपने भीतर नारी को जो है बेहतर दबावता रहा है ना? यानी जो नाड़ी का गुण नर के अंदर आ जाता है वो उसको दबाता रहता है ना? चलिए, हाँ, नाड़ी अपने भीतर नर को जो है और नर अपने भीतर की नाड़ी को जो है बच्चों क्या करता है, बेहतर दबाता रहता है और परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही जो है मर्दाना मर्द और औरतनी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं है रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। ओके, चलिए, तो देखिए ये कठोरता आज क्यों है कि देखिए युद्ध में जो जाते हैं जो नर जो युद्ध पे जाते हैं वो ये कभी नहीं सोचते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है, कठोरता है ना? लड़की की तरह कोमलता नहीं है उसके अंदर, या उसके अंदर क्या है यानी सहानुभूति नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो लड़का जो है कठोरता है और वो जो है क्या मर मिटने को तैयार हो जाते हैं युद्ध में जाते हैं। अगर उसके अंदर अगर नारी तत्व की अगर थोड़ी सी भी अगर गुण रहता तो वो युद्ध में मतलब इस तरह का जो है कठोरता नहीं दिखाता, उस युद्ध में युद्ध शांति होता, इस तरह का युद्ध नहीं होगा। ठीक है, चलिए, होता और युद्ध अपना बहुत से ऐसे ध्यान रखता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला उनका क्या हाल होगा, है ना? वो ये भी ध्यान नहीं रखता अगर हम मर जाएंगे तो मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, वो नहीं रख देखते हैं। कौन बच्चे, नर की बात हो रही है, सिंदूर वालियों को ही जो है इसका फिक्र है। इसका फिक्र किसको होता है, सिंदूर वाली को ही होता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, एकदम चीजों को समझना है। नाड़ी की जो है प्राधीनता कब से आरंभ हुई है? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चन इसमें क्या कहलाता है कि नाड़ी की प्राधीनता तब आरंभ हुई है जब मानव जाति ने कृषि का जो है आविष्कार किया था, जिसके चलने नाड़ी घर से दो टुकड़ों में बट गया। जब कृषि का आविष्कार हुआ है ना, तब जो है नाड़ी जो है दो टुकड़ों में बट गया, नाड़ी और नर दो टुकड़ों में बट गया था। पहले जो है एक ही था, घर का जीवन जो है सीमित और बाहर का जीवन जो है क्या होता है, निस्सीम होता गया और एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के
अधिकाधिक अधीन होती चली गई और नारी की प्राधीनता का यह जो है संक्षिप्त इतिहास है ना। जो नर है तो बाहर का काम करेंगे है ना, नारी है तो घर के काम करेंगे, जब कृषि का आविष्कार हुआ ठीक है। तो यही से जो बच्चों नारी की जो प्राधीनता कब से आरंभ हुई थी बच्चों, यही से आरंभ हुआ ठीक है, कृषि के विकास से। चलिए, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, यानी बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को भी जो है भिक्षुनी होने की जो अधिकार दिया था, यानी किसको, नारी को जो है भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था। महावीर का मानना था कि मोक्ष नारी जीवन में ही नहीं मिल सकता है, पछतावा बोध को भी हुआ है। बौद्ध धर्म ने जो है बोध ने भी आयुष्मान आनंद से ईर्षित पक्षपात के जो है साथ कहा कि आनंद आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वहां 5-17 वर्ष तक जो है चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष ही चला, क्योंकि नारियों को मैंने जो है भिक्षु होने का जो अधिकार दे दिया था, है ना। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, स्त्रीचित गुण क्या है बच्चों, है ना। स्त्रीचित का गुण का अर्थ यानी स्त्रियों में अपेक्षित गुण, यानी विरमता, शोभा, पाति, कर्कशता, और वह अपने आलोचना का पात्र बन जाती है ना। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, संसार में सर्वसत्र पुरुष और स्त्री स्त्री नारी समझती है कि पुरुष को गुण सीखने से जो है उसके नारित्व बट लगेगा, यानी अगर आप कोई पुरुष अगर क्या कर सका, यानी कोई नारी का अगर काम कर रहा है तो दुनिया उसको क्या कहेंगे, नारी ही कहलाएंगे, ठीक है। वो ये समझ की वजह से बच्चों डरते हैं, ठीक है। और स्त्री अगर पुरुष का गुण ले लेंगे, समझ जाते हैं, तो वह पुरुष की गुण सीखने से जो है उसकी नारित्व बढ़ जाने लगेगा, यानी वो जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो बच्चों कुछ है ना, जो ये समाज की तरफ से जो है दिया गया है ना। चलिए, लिंग का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है ना। जितना हमारा अधिकार है उतना जो है, जितना नर का अधिकार है उतना नारी का भी जो अधिकार है, ठीक है। चीज ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी बच्चों बहुत अच्छे से। जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक अगर आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करते। चलिए गाइस, यहाँ तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।